फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और मेरा नाम है परवीन और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ अमेजन के कुर्ता सेट का हॉल है, जिसमें दो कुर्ता सेट हैं, बहुत ही प्यारे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड है, फेस्टिव वियर है। आप चाहे तो इन्हें एज अ फेस्टिव वियर यूज़ करिए, चाहे तो डेली वियर यूज़ करिए। इसकी फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छी है और प्राइस वाइज भी बहुत अफोर्डेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हॉल। और हॉल को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो सबसे पहले मेरे पास है ये कुर्ता सेट, ये है ब्लू एंड ग्रीन में इसका कॉम्बिनेशन है। ये इसका कुर्ता है, कुर्ता ब्लू कलर में है। इसकी जो फैब्रिक है ये रेयॉन है और नेक पे इसके एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी है, फाइन है, ज़रा भी कहीं से ऐसे निकली हुई नहीं है। जरी के थ्रेड से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और कुछ यहाँ पे रेशम वाले थ्रेड से आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। और यहाँ नेक के पास आपको ऐसे पाइपिंग लगी हुई मिल जाती है। यहाँ पे सेंटर पे आपको ग्रीन कलर की पाइपिंग लगी है, जैसा कि आपको ये प्लाजो की फैब्रिक मिल रही है, प्लाजो की फैब्रिक का ही यहाँ पाइपिंग लगा हुआ है। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो योग का पोर्शन है, अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही इसका जो स्लीव है, ये 3/4 स्लीव इसका साइज है। और यहाँ पर आपको स्लीव पे नीचे की तरफ आपको ऐसे डबल लेयर में ऐसे फ्रिल मिल जाती है, फ्लेयर जैसे बेल स्लीव होती है इस तरह की। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है जो प्लाजो का फैब्रिक है उसका एक फ्लेयर और ऊपर की तरफ ब्लू कलर का फ्लेयर। और यहाँ पे देखिए आप, जैसा कि नेक पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, वैसी ही सेम एम्ब्रॉयडरी आपको यहाँ पे स्लीव के पास मिल जाती है। बैक एंड फ्रंट दोनों पे ऐसे प्लैकेट की तरह लगी हुई है तो बहुत प्यारा लगता है, बेल स्लीव की तरह इसका लुक आता है। और नीचे की तरफ भी आप देखिए, जैसा कि नीचे का पार्ट है, यहाँ पे ये जो हेम लाइन है यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी एम्ब्रॉयडर्ड प्लैकेट मिल जाती है। सेम वैसी जरी वाली थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, ये बहुत अच्छी फाइन एम्ब्रॉयडरी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए थ्रेड वाली रेड कलर की जो दिख रही है रेड में है और नीचे की तरफ ये जरी से इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो पहनने पे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अफोर्डेबल है ये। 400 के रेंज में आपको कुर्ता एंड प्लाजो का सेट मिल जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अफोर्डेबल है। ये है इसका प्लाजो, प्लाजो में आपको वेस्ट पे इलास्टिक मिल जाती है फ्रंट एंड बैक में और अच्छी खासी आपको फ्लेयर मिल जाती है इस तरह से, इतनी चौड़ी फ्लेयर है नीचे की तरफ। और नीचे भी आपको जैसे स्लीव्स पे इस तरह से प्लैकेट मिल जा रही थी एम्ब्रॉयडरी वाली, वैसी प्लैकेट आपको यहाँ पे मिल जा रही है नीचे की तरफ, जो नीचे का पोर्शन है प्लाजो का इस तरह से एंकल के पास। तो ये भी बिल्कुल प्लेन नहीं है, प्रिंटेड है। यहाँ पे आप देख पा रहे इस तरह की प्रिंट बनी हुई है, सेम रेयॉन की फैब्रिक है यहाँ पे भी और ये यहाँ पे इस तरह से प्लैकेट। तो 400 की रेंज में अच्छा है ये वाला कुर्ता सेट, आप मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। सेकंड है मेरे पास ये ब्लू कलर का गोल्डन प्रिंट वाला ये कुर्ता, नेक पे आपको ये राउंड नेक मिल जाता है और नेक पे आपको इस तरह से गोल्डन पाइपिंग लगी हुई मिल जाती है पूरे फ्रंट एंड बैक पे। और पूरे ऑल ओवर कुर्ते पे आपको ऐसे गोल्डन गोल्डन ये डॉट वाली प्रिंट मिल जाती है। स्लीव इसकी 3/4 स्लीव है, स्लीव पे भी आपको नीचे ऐसे इस तरह से गोल्डन पाइपिंग लगी हुई मिल जा रही है और फ्रंट एंड बैक पे ऑल ओवर आपको सेम प्रिंट मिलता है। फैब्रिक इसकी रेयॉन है, अगेन कंफर्टेबल है ये। इसके साथ मुझे मिला है ये प्लाजो, ये भी सेम मिला हुआ है रेयॉन फैब्रिक का, यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाती है वेस्ट लाइन पे और सेम ऐसे ही गोल्डन प्रिंट का आपको यहाँ पे मिल जाता है, फ्लावर शेप एंड डॉट शेप में प्रिंट मिल जाता है। ऑल ओवर यहाँ पे प्रिंट है, फ्रंट एंड बैक में सेम प्रिंट है। और ये इसकी फ्लेयर है प्लाजो की, इतनी है ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए सेम गोल्डन वाली पाइपिंग लगी हुई है, तो ये भी कंफर्टेबल फैब्रिक है इसकी। और इसके साथ ही मुझे मिला है ये पिंक कलर का दुपट्टा, इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है। इसका कलर बहुत प्यारा है, पिंक कलर में है और सेम ऐसे ही गोल्डन गोल्डन प्रिंट की इस पर भी वर्क हुई है, प्रिंटेड है ये गोल्डन प्रिंट में। और इसकी चौड़ाई और लंबाई काफ़ी अच्छी है, इसकी लेंथ अच्छी है, ये चौड़ाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए इतनी चौड़ी है, ये दुपट्टा बिल्कुल भी पतला नहीं है, अच्छा खासा चौड़ाई है इसका
और ये इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह से देखिए ये डबल फोल्ड है और इतनी लंबी आ रही है, तो अच्छा खासा लंबा और चौड़ा है इसका दुपट्टा। और साइड्स में इस तरह से देखिए आपको मिल जाता है, यहाँ पे बना हुआ बॉर्डर है, सेम गोल्डन गोल्डन प्रिंट है, ऑल ओवर गोल्डन प्रिंट है। और फैब्रिक भी इसके आई थिंक कॉटन फैब्रिक के रेयन की तरह ही लग रही है मुझे, तो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है, देखने में अच्छी है और प्राइस वगैरह भी अच्छी है, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये जो मैंने नेकलेस और ये कुर्ता और ये बैंगल्स पहना हुआ है, ये इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको पसंद आता है आप लेना चाहते हैं तो उसका रिव्यू भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।